Namaskar everyone, myself Mrs. Laxmi Jain from Government Women Polytechnic College, Jaipur. Today we will discuss about therapeutic diet or diet therapy for fever, यानी fever में आहारीय चिकित्सा, इसका part 1 आज हम पढ़ेंगे. Therapeutic diet and diet therapy के contents. First content is introduction या परिचय. Next is metabolic effects of fever, यानी ज्वर के चपापचयन के प्रभाव. Next is causes of fever, ज्वर के कारण. Next is types of fever, ज्वर के प्रकार. Next is general symptoms of fever, यानी ज्वर के सामान्य लक्षण. परिचय. Fever is defined as having a temperature above the normal range 98 degree Fahrenheit और 37 degree centigrade of the body. ज्वर, जिसे हम बुखार भी कहते हैं, इस स्थिति में शरीर का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है. एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य तापमान 98 degree Fahrenheit या 37 degree centigrade तक होता है. 97 से 99 degree Fahrenheit तक हम normal temperature मानते हैं. Fever is a वेरी कॉमन कंडीशन. फीवर एक बहुत ही सामान्य स्थिति है. फीवर इन इट्सेल्फ इज नॉट डिजीज बट इज ए कंसिडर्ड एज ए साइन ऑफ एनी इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन. फीवर अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि किसी भी प्रकार का संक्रमण, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरस इन्फेक्शन हो सकता है, या किसी प्रकार के शरीर के किसी हिस्से में सूजन हो सकती है, वो इसका कारण बन सकती है. In addition of fever, BMR यानी basal metabolic rate is increased. ज्वर की स्थिति में शरीर का BMR बढ़ जाता है. Now, metabolic effects of fever. Fever के चपापचय के प्रभाव. In fever, there are many physical and biochemical changes takes place in the body, which are following. बुखार की स्थिति में शरीर में कई शारीरिक और जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जो कि निम्न है. जैसे इंक्रीज्ड इन द बीएमआर विच इज ऑलमोस्ट 7% फॉर एवरी 1 डिग्री फॉरेनहाइट राइजिंग टेम्परेचर. शरीर की आधारीय चपापचय दर में वृद्धि होती है, जो कि लगभग शरीर का तापमान अगर 1 डिग्री फॉरेनहाइट बढ़े तो 7% तक बीएमआर बढ़ सकता है. इससे शरीर की ऊर्जा की मांग भी बढ़ जाती है. Decreased glycogen storage from the adipose tissue and liver. बुखार में यकृत और एडिपोस तंतुओं में ग्लाइकोजन का भंडारण या संग्रह कम होता जाता है, जिससे व्यक्ति निर्बल और कमजोर हो जाता है. Increase in protein metabolism, catabolism. प्रोटीन के चपापचय में वृद्धि होती है, विशेष रूप से अपचय के अंदर. संक्रमण के कारण ऐसा होता है, और ऐसा टाइफाइड में और मलेरिया में हो सकता है. इंक्रीज इन रेस्पिरेशन रेट. रोगी की श्वसन की दर में वृद्धि होती है, यानी उसकी सांस बहुत तेज तेज चलने लगती है. लॉस बॉडी फ्लूइड्स NaCl पोटेशियम एंड वाटर ड्यू टू इंक्रीज इन परस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट. पसीना. बुखार की स्थिति में पसीना अधिक मात्रा में निकलता है, जिसके कारण बॉडी फ्लूइड्स कम हो जाते हैं और उनसे आवश्यक लवण जैसे सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम और पानी का विसर्जन अधिक मात्रा में होता है, जिससे व्यक्ति कमजोरी महसूस करता है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है. डिसऑर्डर्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम. पाचन संस्थान में गड़बड़ी होती है, जैसे भूख नहीं लगना, जी मिचलाना या खाना बहुत देरी से पचना इत्यादि, जिसके कारण रोगी की खाना खाने की इच्छा नहीं होती है. कॉजेज ऑफ फीवर. फीवर के कारण क्या हैं? एंडोजीनियस फैक्टर्स, जिसमें एंटीजन, एंटीबॉडी रिएक्शंस और मेलिग्नेंसी. शरीर के आंतरिक प्रभाव. शरीर के अंदर नेचुरल रूप से कुछ एंटीजन्स और एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, जो कि हमारे ब्लड के अंदर, रेड ब्लड सेल्स के अंदर होते हैं. तो इनका एंटीजन्स और एंटीबॉडीज का जब आपसी रिएक्शन होता है, तो उसके कारण फीवर हो सकता है, और कैंसर भी उसका एक कारण हो सकता है. एक्सोजीनस फैक्टर्स.
एक्सोजीनस फैक्टर्स यानी बाहरी कारक, इनमें बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, पैरासाइट्स यानी बाहरी वातावरण से अगर किसी प्रकार के जीवाणु या वायरस और जो परजीवी होते हैं उनके इन्फेक्शन के कारण भी फीवर हो सकता है। सर्टेन इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, कुछ इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हो जाती हैं जैसे बॉडी फ्लूइड्स अगर बढ़ जाते हैं तो उसके कारण शरीर के कुछ अंगों में सूजन आ जाती है, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस उसका एक एग्जाम्पल है। इसमें जॉइंट्स के अंदर फ्लूइड भर जाता है जिससे कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है और पेनफुल कंडीशंस होती है और सूजन आने के कारण बुखार हो सकता है। सम इम्यूनाइजेशन सच एज द डिप्थीरिया, टिटेनस एंड न्यूमोकोकल वैक्सीन्स, कुछ वैक्सीनेशंस के कारण यानी कि कुछ टीके जो कि कुछ डिजीजेस को ख़त्म करने के लिए या उनके प्रभाव को कम करने के लिए लगाए जाते हैं, जैसे डिप्थीरिया का टीका, टिटेनस का टीका और निमोनिया का टीका, इनके टीकों के लगाने के बाद भी फीवर हो सकता है। हीट स्ट्रोक्स, ओवर एक्सपोजर ऑफ सनलाइट और सनबर्न और डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक्स के कारण यानी जब बॉडी के अंदर पसीना कम बनता है तो शरीर में के अंदर गर्मी जो है वो बढ़ जाती है, यानी स्वेट ग्लैंड्स जब कम काम करती है, पसीना कम स्रावित करती है तो उस वक्त हीट स्ट्रोक्स हो सकते हैं, और या फिर सनलाइट में जो लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं उनको सनबर्न हो सकता है। और उसका एक कारण है डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण यानी पानी की कमी हो जाना शरीर में, और ऐसा वॉमिटिंग की स्थिति में हो सकता है, डायरिया की स्थिति में भी हो सकता है जिसके कारण कि शरीर में फीवर आ सकता है। नाउ टाइप्स ऑफ फीवर, बुखार के कितने प्रकार होते हैं, फीवर को उसकी तीव्रता के आधार पर हम दो भागों में बांट सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सीवेरिटी ऑफ टेम्परेचर फीवर में क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज एक्यूट फीवर एंड क्रोनिक फीवर। एक्यूट फीवर इज शॉर्ट टाइम फीवर एंड क्रोनिक फीवर इज प्रोलॉन्ग फीवर। एक्यूट फीवर में हाई ग्रेड फीवर होता है बट शॉर्ट टाइम के लिए होता है, यानी बुखार की तीव्रता ज़्यादा होती है परंतु कम समय के लिए होता है, और इसके एग्जाम्पल्स हैं निमोनिया एंड टाइफॉइड। इसमें ऐसा होता है कि तेज बुखार होता है लेकिन जल्दी उतर जाता है। एंड क्रॉनिक फीवर में लंबे समय तक बुखार होता है परंतु उसकी तीव्रता जो है वो कम होती है, लो ग्रेड फीवर होता है, जैसा कि ट्यूबरक्लोसिस के अंदर यानी टीबी के अंदर ऐसा होता है। नेक्स्ट इज जनरल सिम्टम्स ऑफ फीवर, बुखार के सामान्य लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। किसी भी प्रकार का बुखार हो, चाहे वो टाइफाइड हो, मलेरिया हो या ट्यूबरक्लोसिस का हो, इन्फ्लुएंजा का हो, तो उसके कुछ जनरल कुछ सामान्य लक्षण होते हैं जो शरीर के अंदर देखे जा सकते हैं। दैट इज राइज इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी हीट, शरीर के तापमान में वृद्धि होना यानी शरीर का तापमान सामान्य से ज़्यादा हो जाना, 98 डिग्री फॉरेनहाइट से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाना। परस्पिरेशन यानी टू मच स्वेटिंग और शिवरिंग, बुखार की स्थिति में शरीर में अधिक मात्रा में पसीना निकलता है और ठंड लगने के कारण कपकपाहट होती है। रेस्टलेसनेस एंड इरिटेशन, शरीर जो है वो बहुत रेस्टलेस हो जाता है यानी उसको आराम नहीं मिलता है और बेचैनी महसूस होती है। एकिंग मसल्स एंड जॉइंट्स और अदर बॉडी एक्स, शरीर की मांसपेशियों और जोड़ों में और साथ ही शरीर के अन्य भागों में खिंचाव होने लगता है, दर्द होने लगता है। नेक्स्ट इज थर्स्ट एंड लॉस ऑफ एपिटाइट, बहुत अधिक प्यास लगती है रोगी को एंड भूख में कमी हो जाती है। लॉस ऑफ एपिटाइट मीन्स भूख में कमी होना। नेक्स्ट सिम्टम इज हेडेक, वॉमिटिंग एंड नोजिया, सिर में दर्द रहता है, वॉमिटिंग्स यानी उल्टी या वमन हो सकता है और नोजिया चक्कर आ सकते हैं। थैंक्स, इस सेशन में इतना ही हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे कि फीवर के अंदर डाइट थेरेपी क्या देनी चाहिए, यानी डाइट नॉर्मल डाइट के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशंस करके हम फीवर के रोगी के लिए थेरेप्यूटिक डाइट तैयार कर सकते हैं। थैंक यू।